Alaikum dear students. How are you? I hope you all are fine. Please open your books. Page number 10. Today is our fourth lecture in which we will read about other hardware devices. So, first of all, mention date on your pages. Okay, after date, let's start reading of other hardware devices. So our first line is apart from these four main different parts there are many other parts which can be attached to computer to perform different functions g to slide may they are telling you that in four main different parts that we have studied um, like सी पी यू मोनिटर कीबोर्ड माउस अपार्ट फ्राम दिस फोर डिफरेंट पार्ट्स इन फोर डिफरेंट पार्ट्स के अलावा दे आर आर मैनी अदर पार्ट्स कुछ और पार्ट्स भी हैं जो हम कम्प्यूटर के साथ अटैच करते हैं और डिफरेंट फंक्शन वो पार्ट्स परफॉर्म करते हैं नाउ वाई दिज फोर आर जस्ट मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड द अदर आर नाट सो द रीज़न इज our computer or our system cannot be operated if these 4 main parts are not attached with it but the other uh, parts the other hardware parts like we will study now are depends on our need if we need them we connect them to our system and if we know did know if we do not need we do not connect them. Okay. So the first hardware device is printer. First of all, write date on page number 11. Okay. So, printer is an output device. It helps you to take the results on a paper. The results which you get by the help of printer are called printouts or hard copy. Okay. So, how printer is an output device? Printer is an output device because with the help of printer we can get result on a paper and. विच इज़ कॉल्ड प्रिंट आउट्स और हार्ड कॉपी ठीक है तो प्रिंट आउट हार्डवेयर डिवाइस इस तरीके से है क्योंकि जो कमांड आप प्रिंटर को देते हो आप उसको फिर आप कंप्यूटर को कहते हो कि मुझे एक पेपर प्रिंट आउट करके दो तो आपको जो है वो प्रिंटर बाहर आपके लिए वो पेज बाहर कैसे निकलेगा वो थ्रू प्रिंटर निकलेगा ठीक है विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर निकलेगा देखिए साथ में आपको पिक्चर भी गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है तो वो हमारे सिस्टम को कमांड देने से निकलता है हम कंप्यूटर को कहते हैं हमें ये पेपर चाहिए तो वो फिर प्रिंटर के थ्रू हमें हमारे पास बाहर हार्ड फॉर्म में आता है ठीक है लाइक यू कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ योर एग्जामिनेशन ठीक है आपको जो प्रिंट पेपर्स दिए जाते हैं दे आर प्रिंटेड तो अब आपको जो रिटर्न काम दिया जा रहा है वो भी सारा प्रिंटेड है ठीक है तो ये इस तरह इनको जो है वो प्रिंट आ, प्रिंट आउट प्रिंट आउट्स बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये इसलिए हम हाँ कहते हैं कि आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हमें चीज़ बाहर निकल कर आती है ठीक है और देखें जिस तरह से की है तो कीबोर्ड है कीबोर्ड की इनपुट डिवाइस है क्योंकि आप की की किस की मदद से कुछ भी मोनीटर पर लिख सकते हो तो वो मोनीटर के अंदर टाइप होता है ठीक है तो प्रिंटर इसलिए आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे आपको To, या कोई भी जो है हार्ड कॉपी किसी भी पेपर की जो हार्ड कॉपी है वो बाहर निकल निकलती है ठीक है उसके बाद सेकेंड है दे हेल्प यू टू टू लिसन म्यूज़िक एंड ये तो बहुत ईजी है ना हम लोग किस विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर जो हैं वो सुनते हैं म्यूजिक और कोई भी आवाज माइक्रोफोन माइक्रोफोन्स आर आल्सो वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड म्यूज़िक इन टू द कंप्यूटर यू कैन आल्सो रिकॉर्ड योर वॉइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन्स माइक्रोफोन जो होता है उसको आप माइक भी कह सकते हैं माइक की मदद से आप अपनी वॉइस जो है वो कंप्यूटर में जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो आपकी म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकते हो और यू कैन आल्सो रिकॉर्ड योर वॉइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन ठीक है तो आप अपनी वॉइस या म्यूज़िक कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हो और बाकी भी आप अपनी आवाज़ जो है माइक्रोफोन के जरिए किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इसलिए माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में हेल्प आउट करता है आपको ठीक है जॉयस्टिक इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर इट इज़ एन इनपुट डिवाइस सो you will be uh, a very better knowledge about the joystick because it is used in games theek hai inko hum games khelne mein use karte hain aur ye bhi ek input device hai kyunki iski help se aap andar apni games jo hain wo computer mein usko khel sakte hain scanner it is used to scan pictures into the computer it is an input device scanner जो है वो एक input device है. अभी कैसे kaise input device hai because it is it is opposite of printer ठीक है? प्रिंटर के बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि जो फंक्शन प्रिंटर करता है उसके ऑपोजिट आपको स्कैनर करके देता है स्कैनर इस, इस तरह से आपके पास इनपुट डिवाइस है कि आपने कोई चीज़ कंप्यूटर में डालनी है तो आपने कोई फोटो, कोई किसी भी पेपर किसी की डॉक्यूमेंट को आपने अगर अपने कंप्यूटर में डालना है यू विल स्कैन इट ठीक है थ्रू स्कैनर आप उसको स्कैनर के थ्रू स्कैन करोगे और वो कंप्यूटर में आपके पास जो है वो आ जाएगी तो इस तरह से इनपुट डिवाइस है क्योंकि आपके पास एक हार्ड कॉपी होती है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में आ जाती है आपका डॉक्यूमेंट जब वो आपके पास कंप्यूटर में आ जाता है ठीक है तो अब देखिए मेरे पास पिक्चर है और वो हार्ड कॉपी में आई कैन टच इट तो मैं जब उसको कंप्यूटर में डाल देती हूँ देन इट विल चेंज इन टू हार्ड कॉपी ठीक है तो जब वो हार्ड कॉपी में सॉरी सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाएगा ठीक है तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब चेंज हो जाता है तो ये किस तरह पॉसिबल होता है स्कैनर के थ्रू पॉसिबल होता है अब मैं स्कैनर को बाहर से एक चीज़ देती हूँ और वो अंडर कंप्यूटर uh, में उसको डाल रही है सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन इनपुट डिवाइस अब हमारे पास दूसरा है लाइट पेन इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्क्रीन बाई यूजिंग लाइट पेन देखें ये स्कैनर था अब ये आपके पास जॉयस्टिक थी ओके अब देखें फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आपके पास अब लाइट पेन है ना लाइट पेन से आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो कंप्यूटर के अंदर अगर मैं कोई चीज़ सिलेक्ट करना चाहती हूँ कुछ भी तो मैं जो हूँ उसको लाइट पेन से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ अगर मैं कंप्यूटर को जो है वो नहीं ऑपरेट करना चाहती फॉर एग्ज़ाम्पल की बोर्ड से माउस से तो मैं जो है लाइट पेन के थ्रू चीज़ों को सिलेक्ट कर सकती हूँ ये आपको हाँ कीबोर्ड तो है लेकिन माउस अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो फिर आप इन इसके थ्रू जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को ड्रॉ भी कर सकते हो ठीक है तो चीज़ों को ड्रॉ करना बनाना कंप्यूटर के ऊपर और या चीज़ों को सिलेक्ट करना कंप्यूटर के ऊपर ये आपको लाइट पेन हेल्प करता है ठीक है वैसे कीबोर्ड और माउस के कंपैरिजन में ये कोई वो नहीं है लेकिन लाइट पेन से ये कहते हैं लाइट पेन से जो हैं वो वो चीज़ें सिलेक्ट होती हैं आपकी स्क्रीन पर देखें जैसे ये हो रहा है फॉर देखें पहले कुछ टाइम पहले की बात है कि टच स्क्रीनस जो थे अब देखें टच स्क्रीन हो तो ये आपके लिए काम करेगा उस पर लेकिन अगर टच स्क्रीन नहीं हो तो फिर लाइट पेन काम नहीं करेगा तब आपको माउस और कीबोर्ड ही की ज़रूरत होगी ठीक है तो पहले मोबाइल आते थे उनके साथ भी एक जो है पेन होता था उस पेन के थ्रू जो है आप मोबाइल के ऊपर जो है उसको लिखते थे मैसेज लिख सकते थे आप ओपन कर सकते थे प्रोग्राम्स को तो ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल आप इसकी ले सकते हो ठीक है नाउ यूपीएस यूपीएस स्टैंड फॉर अन इंटरप्टड पावर सप्लाई इट कीप्स कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम वैन इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ सो डैट यू कैन सेव योर वर्क अब देखें प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स के हमारे पास यू UPS जो होता है वो अन पावर सप्लाई को बोलते हैं फॉर एग्जांपल मैं काम कर रही हूँ कंप्यूटर पर अचानक से लाइट चली गई है तो यूपीएस फॉर सम टाइम मतलब एक थोड़े से टाइम के लिए जो है वो मेरी हेल्प करता है जब लाइट चली जाती है तो मैं अपना काम सेफ़ uh, करके मोबाइल वो कंप्यूटर को ऑफ कर देती हूँ इससे ये फ़ायदा होता है कि जो मैंने पूरा दिन काम किया है और रात को लाइट चली गई है तो मेरा वो काम वेस्ट नहीं होगा मैं उसको सेव कर लूँगी और लाइट आने का इंतजार करूँगी और लाइट जब आ जाएगी देन आई विल अगेन स्टार्ट माय वर्क ओके नाउ मस्ट नो रिमेंबर डू नॉट टर्न ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली फ्रॉम द यू ओके okay, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूपीएस के थ्रू कभी भी आपने डायरेक्टली कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना आप अपने कंप्यूटर को जो है वो हमेशा मेन इलेक्ट्रिसिटी uh, से ही ऑफ़ किया करें ठीक है जो आपका मेन स्विच uh, होता है उससे ही ऑफ़ किया करें इसको यूपीएस से कभी ऑफ़ मत कीजिएगा डायरेक्टली ओके नाउ कम टू पेज नंबर ट्वेल्व एंड काइंडली मेन्शन डेट ओके

pen drive इट दिस डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये डिवाइस जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है ठीक है मतलब आपके कंप्यूटर में अगर बहुत बड़ा स्टोर कोई चीज़ आपने स्टोर करनी है और अपने लिए स्पेस खाली करना है ना अपने स्पेस जो है वो एम टी करना है कंप्यूटर में दैन यू कैन स्टोर योर डेटा इन पेन ड्राइव बिकॉज इट कैन स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ओके नाओ हार्ड डिस्क इट स्टोर आल सॉफ्टवेयर एंड डेटा इट इज़ फिक्सड इन साइड द सीपीयू बॉक्स ये आपके पास अंदर सीपीयू बॉक्स में फिटेड होती है ठीक है और ये आपके डेटा को स्टोर कर सकती है ठीक है ये सीपीयू बॉक्स में फिटेड होती है ठीक है ये ये है हार्ड डिस्क ये मैंने आपको स्लाइड्स पे भी बताई थी ठीक है उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क इट इज़ आर डिवाइस दैट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो ये भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है ये भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है ये हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर में होती है फिटड होती है और ये कंप्यूटर में आपका जितना डेटा स्टोर होता है वो ये हार्ड डिस्क स्टोर करती है ठीक है उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एज यू नो आर सॉफ्टवेयर इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट रन ऑन द कंप्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल एम एस पेंट लोगो एमएस वर्ल्ड टू थाउजेंड टेन एंड नोट पैड अब आप देखें कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है डेयर स्टूडेंट जितने टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं दे ऑल व हार्डवेयर डिवाइस एंड हाउ देवर हार्डवेयर डिवाइस एंड वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस ये है डेट इन हार्डवेयर डिवाइस यू कैन टच दैम ओके आप हार्डवेयर डिवाइस को टच कर सकते हो बट जो सॉफ्टवेयर डिवा हमारे पास प्रोग्राम्स वगैरह उसमें आते हैं जो सॉफ्टवेयर होता है यू कैन नॉट टच दैम यू कैन ऑनली सी दैम ओके आप जस्ट उनको देख सकते हो आप टच नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ प्रोग्राम एम एस पेंट एम एस पेंट का एक प्रोग्राम आपको दिया गया है ये एम एस पेंट का प्रोग्राम जो है ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यू कैन सी इट यू कैन डू वर्क ऑन इट बट यू कैन नॉट टच इट ओके ठीक है आप इसको टच नहीं कर सकते हो आप जस्ट इसको देख सकते हो और इस पर काम कर सकते हो बट ये तमाम ऊपर वाली डिवाइस लाइक की बोर्ड माउ सी पी यू मोनिटर कॉम्पैक्ट डिस्क हार्ड डिस्क pen drive light pen, joystick, this all are this all are hardware devices. theek hai ye tamam aapke paas hardware devices hain And another example we can take is the slides I show you. जो slides मैं आपको बताती हूँ, वो तमाम slides भी हमारे पास जो हैं वो software में आती हैं. I can, you can just watch them. You cannot टच दैम ओके तो वो तमाम हमारे पास जो हैं वो भी सॉफ्टवेयर में आती हैं वो तमाम प्रोग्राम्स जो आपका मोनिटर स्क्रीन पर देखते हो उनको लाइक योर गेम्स आर ऑलसो सॉफ्टवेयर ओके वो भी सॉफ्टवेयर है यू कैन ऑन ऑनली सी दैम यू कैन प्ले दैम बट यू कैन नाट टच दैम ओके सो नाओ कम टूअर्ड्स दैम नेक्स्ट पेज काइंडली मैंशन डेट और आपको तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको दिए इसको अंडरलाइन करें कि सॉफ़्टवेयर जो होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कंप्यूटर पे रन करता है ठीक है जो कि कंप्यूटर पर रन करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देखें अब यहाँ पर आपके पास पेंट है आपको इसमें सारी ऊपर जो है वो टूल बार, मतलब ये सारी बार्स आपको दी हुई हैं देखें आप देख सकते हो यहाँ पर ये यह आपको होम दिया जाता है यहाँ पर और आपको क्या दिया जाता है व्यू दिया जाता है तो ये पेंट है एक इसमें पूरी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यू कैन वर्क ऑन दैन ठीक है आप उन प्रोग्राम्स पे काम कर सकते हो इसी तरह एम एस वर्ल्ड है एम एस वर्ल्ड पर हम पावर पॉइंट पर जिस पर मैं आपको स्लाइड्स बना कर बताती हूँ इन तमाम ये तमाम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो कि कंप्यूटर पर चलते हैं और इस पर आप अपने इन इंस्ट्रक्शनस को फॉलो करते हुए इन पर आप काम कर सकते हैं ठीक है काम करने से आई मीन के आप जो हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी तो प्लीज़ डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को अंडरलाइन कर लें अब नेक्स्ट पेज पे भी आपको एक एग्जाम्पल ही की बताई गई है नोट पैड की ठीक है कि ये देखिए उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि किस तरह से आप नोट पैड को यूज़ कर सकते हैं नाउ कम टुवर्ड्स द नाउ यू नो अभी आपको बता रहे हैं आपने इस यूनिट uh, में क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डेट इज़ यूज टू जनरेट इंफॉमेशन फ्राम डेटा हमने पढ़ा कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जो डेटा से हमारे लिए इंफॉर्मेशन को जनरेट करती है डेटा हम देते हैं और उसको ऊपर जब वो प्रोसेस करते हैं तो फिर हमारे लिए इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ फोर मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हमने पढ़े मोनिटर सी पी यू की बोर्ड एंड माउस सी पी यू कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स हमने थ्री पार्ट्स ऑफ सी पी यू पढ़े जिसमें ए एल यू सी यू एंड एम यू था कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स दो टाइप्स की मेमोरी हमने पढ़ी जो एक टेम्प्रेरी और दूसरी परमानेंट थी रैम एंड रोम माउस एक्शन आर क्लिक डबल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप हमने माउस के एक्शंस पढ़े जिसमें क्लिक और डबल क्लिक ड्रैग और ड्रॉप थे स्पीकर्स जॉयस्टिक्स स्टिक्स लाइट पेन एंड प्लॉटर आर हार्डवेयर डिवाइस हमने स्पीकरस और ये तमाम डिवाइस पढ़े जो कि हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस थे इनके अलावा माउस और कीबोर्ड में पार्ट्स के अलावा एम एस पेंट लोगो एम एस वर्ड एंड नोट पैड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में वो भी पढ़ा और उसके एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ा अब हम की टर्म्स पढ़ते हैं सी पी यू स्टैंड फ़ॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वी डी यू स्टैंड फ़ॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट ए एल यू स्टैंड फॉर एर्थोमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट एम यू स्टैंड फॉर मेमोरी यूनिट रैम स्टैंड फॉर रैंडम एस एस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमोरी क्लिक आ साउंड डेट यू हेयर वैन यू क्लिक आर माउस इज प्रेस्ड

एक्सरसाइज इज़ चूज़ द करेक्ट ऑपन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ओके आपने आंसर्स uh, को सिलेक्ट करना है देन यू विल राइट इट ऑन द इन द स्पेस गिवन टू यू आर डैश इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कम्प्यूटर तो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए क्या यूज़ होता है डेफिनेटली हमने अभी पढ़ा कि हम जॉय स्टिक यूज़ करते हैं सो so आपने टिक भी करना है और फिर आपने जो है वो जॉय स्टिक को ब्लैंक में लिखना भी है ठीक है देन द सेकेंड इज अडैश गिवस द र रिजल्ट ऑन अम पेपर पेपर पर आपको कैचिज रिजल्ट देती है डेफिनेटली प्रिंटर रिजल्ट देता है सो वी विल राइट प्रिंटर इन द ब्लैंक ओके द थर्ड वन इज़ अडैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस सो डेफिनेटली विच वन विल भी ओके येस यू आर राइट द ऑप्शन सी विल भी करेक्ट ओके बिकॉज माउस इज़ आ पॉइंटिंग डिवाइस राइट इट इन द ब्लैंक राइट फर्स्ट लेटर स्मॉल ओके स्मॉल लिखना है आपने फर्स्ट लेटर को फोर्थ वन इज अडैश इज अ परमानेंट मेमोरी सो सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी बिकॉज रीड ऑनली मेमोरीज अ परमानेंट मेमोरी ओके राइट आर ओ एम रोम Now, the fifth is a dash is used to record your voice. Definitely microphone. Microphone used to record her voice. Okay. Right microphone. Now exercise B is fill in the blanks. So the word bank is given to you, and <coughs> sorry, and we have to put these words in the correct blanks. Okay. So the first is printouts are also called dash. So द करेक्ट ऑप्शन इज़ हार्ड कॉपीज़ राइट हार्ड कॉपीज़ इन द ब्लैंक सेकेंड इज़ डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द की बोर्ड सो स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द की बोर्ड ठीक है ये तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पढ़ा है अभी पीछे की बोर्ड में कि सबसे लंबी की जो की बोर्ड पर होती है वो स्पेस बार है ठीक है राइट इट थर्ड इज़ डैश इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सी पी यू बॉक्स सी पी यू बॉक्स में अंदर क्या फिक्स फिटड होता है फिक्सड होता है जो आपका जो है वो स्टोर करता है डेटा भी तो वो होता है अभी हमने पढ़ा हार्ड डिस्क राइट इट फोर्थ इज़ डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटर ऑन द कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा इट इज़ सॉफ्टवेयर ओके सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटर ऑन द कंप्यूटर इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टू काइंडली राइट सॉफ्टवेयर इन द ब्लैंक Now the fifth is dash controls all the functions of a computer. So it will be CPU because CPU is the brain of computer. So we will write CPU. CPU controls all the functions of a computer. So this last one is dash looks like a TV screen. It is very easy. Dear students, monitor looks like a TV screen. Right, monitor. Now exercise C is take. Tick the correct and cross the wrong ones. F F1, one, F two, F twelve are number keys. No, they are function keys. So right cross. Now the second is a mouse looks like TV screen. No, a monitor looks like TV screen. So it is also wrong sentence. So I put cross for it. Now the third is computer memory consists of three parts. No, it is consists of. Two parts RAM and ROM okay. Enter key is the longest key on the keyboard. No, space bar key is the longest key on the keyboard. So I am putting cross in front of it. Delete key is used to erase the character to the right of the cursor. Now it is correct. Okay. Put tick. एम एस एंड एम एस एम एस पेंट एंड एम एस वर्ल्ड आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रह येस इट इज़ आल्सो करेक्ट बिकॉज दीज आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स शिफ्ट की इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अदर कीज येस इट इज़ आल्सो करेक्ट बिकॉज शिफ्ट की इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अदर कीज ठीक है नाउ एक्सरसाइज डी आपका जो है वो रिटर्न वर्क में आपको मिल चुका है एक्सरसाइज ई ड्रॉ कंप्यूटर एंड कलर इट लेबल इट्स पार्ट्स आल्सो तो कंप्यूटर ड्रॉ करें उसको लेबल भी करें और उसके पार्ट्स uh, uh, को भी लेबल आप करें ठीक है और उसको कलर भी करें अरेंज द जम्बल वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज अब आपको यहाँ पर जो है पिक्चर्स गिवन है पिक्चर्स की हेल्प से आपने जो है इन जम्बल वर्ड्स को जो है वो ठीक कर करके लिखना है तो अब ये सी यू पी लिखा है जबकि हमें तो सामने सी सी पी यू नजर आ रहा है सो वी विल राइट सी पी यू अब आपको क्लू सामने दिया हुआ है ना विद द हेल्प ऑफ दिस क्लू इट इज़ ईज़ी फॉर यू टू राइट द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग ओके नाउ इट इज़ प्रिंटर सो आई विल राइट ठीक है अब आपके पास क्या है माउस देखिए माउस है ना तो उन्होंने तो आपको गलत स्पेलिंग आपने इसको सही से अरेंज करके लिखनी है ठीक है माउस ठीक है नाउ कम टुअर्ड द नेक्स्ट पेज एंड मेन्शन डेट ओके And so now it is keyboard, so we will write keyboard. Now the last one is monitor. ठीक है सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर एक्सरसाइज एंड द रीडिंग लर्न एक्सरसाइज ए बी सी एंड एफ एंड ऑल्सो डी ठीक है द रिटर्न वर्क वी हैव गिवन टू यू तो आपने सारा याद करना है इसको लर्न करना है एंड वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर वन इनशाला हम अपने नेक्स्ट वीक में जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम आपको जो है चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करवाएंगे ठीक है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़